गाइस, तो 2-3 दिन हो गए और मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि हमारा एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ, एग्ज़ाम ऑनलाइन चल रहा है, तो समझ ही सकते हैं कितना मुश्किल है लिखना, बहुत ही मुश्किल है, लिख ही नहीं पा रहे हैं। लगता है इस टाइम तो फेल पक्का होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल है, ऑफलाइन से भी मुश्किल है। वैसे मैं सोच रहा था कि एग्ज़ाम की वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन अभी कुछ काम से बाहर निकला तो सोचा इसी बीच ब्लॉग भी डाल दूँ। तो देखिए गाइस, मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, पढ़ाई छोड़ के मैं बाहर आया तो ब्लॉग कर रहा हूँ और इसको एडिट भी करना है मुझे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वैसे मौसम दिखा दूँ मैं, बारिश होने वाला है और हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बैंगलोर है भाई, है मौसम तो लेकिन सुहाना है, हमें भी थोड़ा दूर जाना है। से आए थे वो काम तो नहीं हुआ, तो प्रॉब्ली अभी शायद बारिश हो रही होगी। अगर बारिश हो रही होगी तो इधर ही रुकना पड़ेगा, वरना हम लोग निकलेंगे इधर से। तो दोस्तों, हम लोग दूसरा दुकान भी देख लिए और उधर भी नहीं मिला हमें जो चाहे था। हमें चाहे थे एक बॉटल, उधर भी निकल तो अभी जाके नारियल पानी खरीदेंगे और फिर जाएंगे। बस इसीलिए मैं लाइक डेली ब्लॉग नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि डेली डालूंगा बस इतना ही देखने को रहेगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा। बस ये अपडेट आपको इस ब्लॉग की दे रहा हूँ, और कहीं कुछ प्लान करेंगे जाने का तो उधर का अच्छे से बना के डालेंगे वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिएगा। और हाल ही में मैंने एक वीडियो को देखा बहुत वायरल होते हुए, जिस वीडियो में कि लड़की कैब ड्राइवर को मारती है, तो उसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कमेंट वीडियो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते तो लड़की ही गलत थी, वो तो सबको पता है। लेकिन इसमें भी मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी लड़की कुछ कर दे तो उसका सीधे वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक कर दो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लड़कियों की वजह से हर लड़कियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और काफ़ी मंदे ये भी बोल रहे हैं कि फेमिनिज्म लोग कहाँ है, वो उठ के नहीं आ रही हैं। भाई, वो लोग उठ के क्यों आएंगे पहले तो ये बताओ, उनका काम जो रहता है वो लोग तो करती हैं, आपका काम थोड़ी ना वो करेंगे। और कितने बंदे लोग स्टोरी डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं जैसे कि वो अगर उधर रहते तो तो पीछे उधर देखते हैं मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं। तो कितने लोग रहते हैं जो स्टोरी डाल के अपने आप को बहुत दिखा रहे हैं कि वो बहुत केयर करते हैं सब चीज़ों की, लेकिन सच बात बताओ तो अगर वो भी उस जगह पे रहते तो वो भी कोई एक्शन नहीं लेते, वो भी ऐसे बस वीडियो बनाते रहते। तो इस सबको मिल के स्टोरी से कुछ नहीं होने वाला, बस ये सोशल मीडिया पर आउटरीच करके कुछ नहीं होने वाला। इसको आप दिमाग से उसको ब्लेम करिए, ना कि पूरे कम्युनिटी को, जो कि बहुत ही गलत है। मैं भी मानता हूँ, बहुत लोग मानते हैं। बस यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप बता दीजिएगा। तो गाइस, अभी जो आपने देखा वो क्या था कमेंट करके बताइए। क्या ही कमेंट करोगे, मैं ही बता देता हूँ। वो नारियल पानी था, और वो भैया बोल रहे थे कि वो केरला का नारियल पानी था, कुछ डिफरेंस रहेगा तो मैंने लिया, देखते हैं कैसा लगता है वो। अगर अच्छा रहा तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा मैं। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि मुझे किस किस टॉपिक को कवर करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करिए यार, आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। और हाँ, बताइएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। बाय।